गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? इस लॉकडाउन में आप घर पे होंगे और बहुत सारी चीजें आपके मन में आती होंगे। कई बार ऐसा रहता रहा होगा जहां पे आप चाहते रहेंगे कि छुट्टियां मिले आपको, हॉलीडेज हो, और आप जो भी चीजें चाहते उन्हें पूरा कर सकें। तो ईश्वर ने संयोग से ये अवसर दिया है, जो भी आपकी नोट्स या जो कुछ भी आपको पूरा करना हो, जो भी प्रिपरेशन करनी हो, घर पे 24 घंटे हैं आपके पास, एक बढ़िया सा शेड्यूल बना के ये सारी कमियां जो आपकी रही पिछले दिनों की, वो सब आप पूरी कर। तो उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में ये मैं आपके सामने सेंटेंस इंप्रूवमेंट लेके चल रहा हूं। कल आपने पार्ट वन इसका प्रिपेयर किया था, आज पार्ट टू लेकर के मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आपके सामने। इसे शुरू करें, स्टार्ट करें, इससे पहले मैं चाहूंगा आप ये देख लें जो चीजें लास्ट में मैंने जो मेन वर्ब्स हैं वो आपको दी हुई हैं, उसके बाद इन्हें करेंगे तो आप ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। ये कुछ वर्ब्स हैं जिन्हें आप देख लें, कुछ एडजेक्टिव्स, कुछ वर्ब्स, जिन वर्ड्स के अंतर जो डिफरेंसेस होते हैं वो आपको जानना चाहिए। जैसे अडेप्ट है, अडेप्ट मीन्स होता है ढालना, अनुकूल बनाना, तो एडॉप्ट मीन्स होता है ग्रहण करना या गोद लेना। देख रहे होंगे ये होमोफोन्स टाइप के हैं, और एडेप्ट अगर कहीं यूज किया गया है तो उसके मीन्स कोई कुशल या निपुण हो जाता है। तो एडेप्ट मीन्स ढालना या अनुकूल बनाना, एक्लिमेटाइज करना किसी को या किसी परिस्थिति को। एडॉप्ट मीन्स गोद लेना, और एडेप्ट जो एक्सपर्ट होता है, ठीक है, एडेप्ट एट का प्रयोग करते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड है आपका अडोर और एडॉर्न, ये भी आपके होमोफोन से हैं। संयोग से कल आपने इन्हें पढ़ा था। अडोर मीन्स होता है किसी के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित करना, उसके प्रति बहुत अधिक प्रेम प्रदर्शित करना, अपनी पसंद प्रदर्शित करना। तो अडोर बहुत अधिक पसंद करना, और एडॉर्न मैंने बताया था गार्निश करना, मीन्स डेकोरेट करना, मीन्स सजाना। नेक्स्ट वर्ड आपको दिए गए हैं जो एट्यूनुएट और एक्सटिन्यूएट, ठीक है। छोटा सा डिफरेंस इसमें जो आपको तैयार करना हो, एट्यूनुएट मीन्स होता है कमजोर पड़ना या घटना, लेकिन किसी चीज का लेवल, जैसे कोई साउंड है, ठीक है, उसकी आवाज धीरे धीरे कम होती जा रही है तो वो एट्यूनुएट हो रही है। लेकिन एक्सटिन्यूएट मीन्स शांत करना या हल्का करना, ये कैसा है, ये क्या है? कोई मैटर बहुत सीरियस है, ठीक है, कोई मैटर बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर है, तो उस गंभीरता को कम करना, उसकी इंटेंसिटी को कम करते जाना एक्सटेन्यूएट हुए। याद हो गया, एटेन्यूएट मींस किसी साउंड वगैरह की इंटेंसिटी को कम करना, और एक्सटेन्यूएट किसी सीरियसनेस को, किसी चीज की गंभीरता को कम करते जाना। मैंने दोनों का एग्जांपल भी आपको दिया है, देखिए। ईयर प्लग्स विल एटेन्यूएट द लाउड साउंड्स, इसका मतलब समझ रहे ना कि जो ईयर प्लग्स है विल एटेन्यूएट है आपका, एटेन्यूएट द लाउड साउंड्स, यानी यहां देखिए कम करने के सेंस में, घटने के सेंस में, कि अगर आप ईयर प्लग्स लगा लेते हैं तो जो लाउड साउंड्स है उनकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन यहां देखें, नो वन कैन एटेन्यूएट बिगॉट्री, बिगॉट्री आपको याद होगा कट्टरता, धर्मांधता को कहते हैं, यानी कोई भी बिगॉट्री को क्या नहीं कर सकता है, कम नहीं कर सकता, हल्का नहीं कर सकता, अर्थात बिगॉट्री की जो गंभीरता है उसको कम नहीं कर सकता है। तो दो वर्ड्स एटेन्यूएट और एक्सटेन्यूएट जरूर तैयार करिएगा। नेक्स्ट वर्ड्स है अप्राइज और अप्रेज। अप्राइज क्या होता है, किसी को सूचना देना, किसी चीज के बारे में बताना, किसी इंसिडेंट वगैरह के बारे में बताना, और अप्रेज क्या होता है, मूल्यांकन करना, किसी चीज को इवेल्युएट करना, ठीक है। दोनों के एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, they appraised him of his rights, या rights अधिकारों की बात की गई, तो उन्होंने उसे उसके अधिकारों के बारे में बताया। यहां ध्यान रखिएगा अप्राइज्ड के साथ देखिए क्या लगाया गया है, ऑफ का प्रयोग किया गया है, जो काम आएगा। दूसरा एग्जाम्पल है आपका अप्रेज का, यू मस्ट अप्रेज द डैमेज, यानी जो डैमेज हुआ है आपको उसका मूल्यांकन करना चाहिए, जो नुकसान हुआ है उसका मूल्यांकन करना चाहिए। तो अप्राइज किसी चीज के बारे में, किसी घटना के बारे में बताना, और अप्रेज उसका मूल्यांकन करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ये है आपका, ठीक है, वर्ड्स है आपके अफ्रांट, अफ्रांट और कन्फ्रांट दो वर्ड्स है। अगर कोई आपको अफ्रांट करता है तो वो आपको इंसल्ट करता है, मीन्स आपके लिए गलत तरीके के वर्ड्स यूज करता है, अपमानित करता है। लेकिन अगर आप किसी को कन्फ्रांट करते हैं तो आप उसका सामना करते हैं, स्पेशली कोई चैलेंज है उस चैलेंज का डट करके आप सामना करते हैं तो आप उसे कन्फ्रांट करते हैं। तो दो वर्ड्स हमारे पास है, अफ्रांट अपमानित करना और कन्फ्रांट सामना करना, दोनों को मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है। दे वर अफ्रॉन्टेड बाई हर र्यूडनेस, यानी उसकी जो अशिष्टता थी, अभद्रता थी, उससे वो क्या हुए, अपमानित हुए। और दूसरा एग्जाम्पल है, He did not want to confront his enemy. समझ रहे होंगे? He did not want, वो नहीं चाहता था, to confront his enemy, अपने शत्रु का सामना करना, यानी वो अपने शत्रु का सामना नहीं करना चाहता था। तो अफ्रांट क्या हो गया, अपमानित करना, और कन्फ्रांट सामना करना। नेक्स्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिप्रिसिएट और डिप्रिकेट। अगर आप डिप्रिशिएट करते हैं तो आप किसी की निंदा करते हैं, और अगर आप डेप्रिकेट करते हैं तो किसी का विरोध करते हैं, ठीक है। तो दोनों के एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, ही ऑफन डेप्रिशिएट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ हर वर्क, यानी वह अक्सर उसके द्वारा जो उसका कार्य है उसके महत्व को क्या करता है, डेप्रिशिएट्स करता है, निंदा करता है। दूसरा एग्जाम्पल है, आई डेप्रिकेट सच अटेम्प्ट्स, अर्थात मैं इस प्रकार के प्रयासों का क्या करता हूं, विरोध करता हूं। तो डिप्रिशिएट किसी चीज की निंदा करना और डिप्रिकेट विरोध करना। और ये लास्ट वर्ड्स हैं आपके, होस्ट और वाइस्ट है आपका। होस्ट आप जानते हैं नाउन के रूप में वो होता है जो मेजबान होता है, और वर्ग के रूप में मेजबानी करना, मेहमान नवाजी करना। और वाइस्ट क्या होता है, आप याद करें झंडे वगैरह को आप ऊपर उठाते हैं, फहराते हैं, तो वाइस्ट करते हैं आप। तो होस्ट मीन्स मेहमान नवाजी करना, और वाइस्ट मीन्स फहराना या ऊपर उठाना। यू शुड होस्ट योर फ्रेंड्स, यानी आपको अपने मित्रों की मेहमान नवाजी करनी चाहिए, मेजबानी करनी चाहिए। ही वांटेड टू वाइस्ट अ फ्लैग, वह एक झंडे को क्या करना चाहता था, लहराना चाहता था। हमारे पास ये सारी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, एक्चुअली मैं आपको वही वर्ड्स दे रहा हूं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, दिए जा रहे हैं रेगुलरली, इसलिए आप इनको जरूर तैयार कर लें। तो होस्ट और वाइस्ट का फर्क तैयार कर लें आप, अफ्रांट और कन्फ्रांट का अंतर समझ लें आप, डेप्रिशिएट और डेप्रिकेट का अंतर समझ लें आप, और ये है आपके हैं एटेनुएट और एक्सटेनुएट का फर्क समझ लें आप, और अप्राइज और अप्रेज का फर्क समझ लें। ये सारे वर्ड्स आपके काम आएंगे, ठीक है। कल भी मैंने वर्ड्स दी हुई थी, उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको याद हो गई होंगी, जो आज भी आपके काम आएंगे अगर आपने तैयार कर लिया होगा, और आगे एग्जाम्स में ये आपको जरूर काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। यहां भी था adapt, adopt और adapt का अंतर याद कर ले, और adore और adorn का अंतर तैयार कर लेना। चलिए जो बच्चे तब तक लाइक न किए हो लाइक कर दें, अगर आप शेयर करना चाहते हैं और आपको लगे ये वीडियो दूसरे बच्चों के काम आएगी जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अपनी राय जरूर रखें आप। चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पहला प्रश्न। द स्पेक्टेटर्स वर स्पेल बाउंड at the thrilling sight and at the end they could not hold their applause in appreciation. जो बच्चे मॉडरेट लेवल पे हो, ठीक है, जो भी बच्चे आप मॉडरेट लेवल पे हो, वो यहां कई सारे अच्छे वर्ड्स तैयार कर सकते हैं। पहला वर्ड देखिए यहां पे आपका तैयार हो जाएगा spectator, दूसरा तैयार हो जाएगा spellbound, तीसरा तैयार हो जाएगा thrilling, चौथा तैयार हो जाएगा sight, पांचवा तैयार हो जाएगा अप्लास, और छठवा तैयार हो जाएगा एप्रिसिएशन। छह वर्ड्स यहीं से आप जो बच्चे मॉडरेट लेवल पे हैं तैयार कर लें। आप जानते होंगे स्पेक्टेटर्स मीन्स दर्शक होता है,
स्पेल बाउंड मीन्स बिल्कुल मंत्र मुक्त जब आप हो जाए, बिल्कुल कहते हैं डम फाउंडेड आप हो जाए तो स्पेल बाउंड हो जाए। थ्रिलिंग मीन्स होता है रोमांचक, जो चीज बहुत एक्साइटिंग होती है वो थ्रिलिंग होती है। और अप्लास मीन्स होती है प्रशंसा नाउन के रूप में, और अप्लॉड मीन्स प्रशंसा करना होता है। अप्रिशिएशन नाउन के रूप में प्रशंसा होती है, और अप्रिशिएट मीन्स प्रशंसा करना होता है, वैसे अप्रिशिएट मीन्स समझाना भी होता है। चलिए अब देखते हैं कि इनमें कौन सा पोर्शन है जो हमको सही करना है। ठीक है, देखें, द स्पेक्टेटर्स वर स्पेल बाउंड, यानी वो जो दर्शक थे वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध थे। एट द थ्रिलिंग साइट, उस रोमांचक दृश्य पर, यानी उस रोमांचक दृश्य को देखकर दर्शक बिल्कुल मंत्रमुग्ध थे, आश्चर्यचकित थे। एट द एंड एट द एंड और अंत में दे कुड नॉट हेल्ड देयर अप्लॉज, वो इन अप्रिसिएशन यानी वो प्रशंसा में प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। यानी जब उन्होंने उस थ्रिलिंग साइट को देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं सके प्रशंसा किए बिना। ठीक है, ये वर्ब के सारी एग्जांपल्स हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। जो भी बच्चे आप में अच्छे बेहतर हो वो तुरंत ये समझ जाए कि कुड नॉट या किसी भी मॉडल के बाद, किसी भी मॉडल के बाद अगर आपको वर्ब लेनी है वो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है। तो हम जाने क्या ये फर्स्ट फॉर्म है, नहीं। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है आपकी, होल्ड होती है, होती है ना, होल्ड फर्स्ट फॉर्म होती है। तो हेल्ड कभी नहीं आएगा। अब हमारे पास जो ऑप्शंस उनमें देखते हैं, पहला ऑप्शन है विद हेल्ड। विद हेल्ड मीन्स सामना करना, रोकना होता है, तो विद हेल्ड भी सेकेंड या थर्ड फॉर्म है, ये भी नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन है विद होल्ड देयर अप्लॉज, और थर्ड ऑप्शन है हेल्ड, तो हेल्ड भी नहीं आएगा। देख ले, हेल्ड भी वही है जो वहां दिया गया है। हो गया आंसर ना आपका, क्या हो जाएगा, विद होल्ड देयर अप्लॉज, यानी द स्पेक्टेटर्स वर स्पेल बाउंड, वो जो दर्शक थे वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध थे, आश्चर्यचकित थे। एट द थ्रिलिंग साइट, उस रोमांचक दृश्य को देखकर। एंड और एट द एंड और अंत में दे कुड नॉट विदहोल्ड, वो रोक नहीं सके देयर अप्लॉज, अपनी उस प्रशंसा, यानी खुद एक तरह से प्रशंसा किए बिना खुद को नहीं रोक सके इन अप्रिसिएशन, अर्थात उस रोमांचक दृश्य को देखकर वो इतने प्रसन्न हो गए कि प्रशंसा किए बिना वो नहीं रह सके। तो विद हेल्ड कभी आ नहीं सकता कुड के साथ, हेल्ड कभी आ नहीं सकता है, हेल्ड कभी आ नहीं सकता है, तो एक ही ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही हो जाए। ठीक है, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स initiated in 1991 have borne fruit. सबसे पहले हम जान लें, याद होगा कल आपने पढ़ा था कि ये दो वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे शायद, बियर और बियर, है ना। मैंने कल बताया था पहला जो बियर है उसके मीन्स जन्म देना होता है, और उसकी सेकेंड फॉर्म B-O-R-E बोर, और थर्ड फॉर्म B-O-R-N बॉर्न होती है। जो दूसरा बियर है उसके मीन्स धारण करना या सहन करना होता है, उस बियर की सेकेंड फॉर्म भी बोर होती है, और थर्ड फॉर्म B-O-R-N-O-E होती है, बॉर्न। तो यहां पे जन्म देने का कोई सेंस तो होगा नहीं आपका, नहीं ना, यानी जो जन्म देने का भाव है वो नहीं होगा, यानी यहां पे जो बॉर्न है ये सही है धारण करने के सेंस में, बियर करने के सेंस में। तो द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी जो आर्थिक सुधार थे, इनिशिएटेड इन 1990, इनिशिएट मीन्स याद होगा आपको, इनिशिएट मीन्स प्रारंभ करना, आरंभ करना, इनिशिएशन मीन्स प्रारंभ शुरुआत, और इनिशियल मीन्स प्रारंभिक भी होता है और किसी का हस्ताक्षर भी होता है, ये वर्ड है ना आपका इनिशियल, इनिशियल मीन्स प्रारंभिक भी होता है, जैसे आपका इनिशियल स्टेप जो है वो सही है आपका, और इनिशियल मीन्स हस्ताक्षर भी होता है, शुरुआती अक्षर जो आप लिखते हैं साइन में वो इनिशियल होता है।
तो द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी जो आर्थिक सुधार थे इनिशिएटेड इन 1991, जिन्हें 1991 में शुरू किया गया था, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, सब्जेक्ट तो यही हमारा है ना, रिफॉर्म्स, तो जब भी आएगा प्लूरल ही आएगा, तो हैव तो सही है, और हैव के बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैव के साथ हैव बॉर्न सही है बॉर्न फ्रूट, बियर फ्रूट मीन्स होता है परिणाम देना, मीन्स उसका फल मिलना, यानी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे जिन्हें 1991 में शुरू किया गया था, उनका अब क्या मिला है, फल मिला है, परिणाम मिला है, अर्थात एक तरह से कहीं कहीं पॉजिटिव परिणाम मिला है। तो क्या हैज के साथ ये वाला बॉर्न चलेगा? कभी नहीं, यहां जन्म देने का कोई मैटर तो है नहीं। हैव बर्न समझते होंगे, बर्न की थर्ड फॉर्म होती है जलाना, तो यहां इसका कोई मैटर नहीं है। हैव बीन बॉर्न फ्रूट्स, कहा यहां पे आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाना है कि हैव बीन आपको लेना है, ठीक है? तो द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड 1991 हैव बॉर्न, ऑलरेडी क्या है, सही है बॉर्न फ्रूट, अर्थात तो उसका क्या मिला है हमें, आशाजनक परिणाम निकला है, मीन्स पॉजिटिव सेंस में, हमारा आंसर हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट, यानी लास्ट ऑप्शन, ठीक है? चलिए हमारे सामने है तीसरा प्रश्न। इफ इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज टू बी स्पीडेड अप, इट विल हैव टू बी बाय अ स्पेशल प्रोसेस। कह रहे इफ इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफी समझते होंगे, एक तरह से डेमोग्राफी आपको याद होगा जो रहने वाले लोगों के बारे में आंकड़े जुटाए जाते हैं, उन आंकड़ों से संबंधित जो चीज होती है वो डेमोग्राफी होती है, किसी एक जगह पे रहने वाले लोग जो हैं उनका रहन सहन कैसा है, उनमें किस तरीके की बीमारियां वगैरह पाई जाती हैं, ये सारे जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो डेमोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। और ट्रांजिशन आप जानते होंगे, ट्रांजिशन मीन्स बदलाव होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। तो इफ इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यानी जो उसका एक तरह से क्षेत्रीय या इस डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन बदलाव है, इज टू बी स्पीडेड अप, यदि उसे बढ़ाया जाना है, यदि उसे बढ़ाना है, तो इट विल हैव टू बी बाय अ स्पेशल प्रोसेस, इट विल हैव टू बी, आपको याद होगा कभी भी आपको अगर कहना है मुझे जाना है तो आप क्या लिखेंगे, आई हैव टू गो, यही होगा ना, आई हैव टू गो, मुझे जाना था या जाना पड़ा, तब क्या हो जाएगा, आई हैड टू गो। अगर आपको कहना है मुझे जाना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, आई विल हैव टू गो हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पे आपका हो गया इफ इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज टू बी स्पीडेड अप, इट विल हैव टू बी, तो ऐसा होना होगा बाई अ स्पेशल प्रोसेस, एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा। अब हम यहां देखें जो हमें बदलना है, इज टू बी स्पीडेड अप, आपको याद रखना होगा स्पीड की जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है वो स्पेड होती है, क्या होती है, स्पेड, यह है वर्ड आपका स्पीड है, ये स्पीड की अगर आपको सेकेंड फॉर्म लेनी है तो वो होगा स्पेड, यस पी ई डी, ये होता है स्पेड। और यहां देखिए इज टू बी स्पेड स्पीडेड अप है, तो कभी भी अगर पैसिव वॉइस में है तो आपको याद होगा इज टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो क्या ये थर्ड फॉर्म है, नहीं, स्पीडेड नहीं होता है, स्पेड होता है। अब हम यहां देखते हैं शुड हैव बीन स्पीडेड अप, स्पीडेड अप गलत, इज टू बी स्पेड अप, मैंने अभी कहा था स्पीड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म स्पेड होती है, इज टू स्पीड अप फर्स्ट फॉर्म पैसिव वॉइस में आप ले नहीं सकते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन निकला वो कौन सा ऑप्शन निकला, ये ऑप्शन, इज टू बी स्पेड अप पैसिव वॉइस में था, इसलिए इज टू बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। रहेगा इफ इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज टू बी स्पेड अप, यानी यदि भारत भारत के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को बढ़ाना है, उसे गति देनी है,
इट विल हैव टू बी बाय ए स्पेशल प्रोसेस. तो ये कैसे करना होगा, एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा करना होगा. ओके समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए चौथा प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, फोर्थ प्रश्न. द डिनर पार्टी वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब वॉज कैंसल्ड ड्यू टू सम अनफोर्सेन प्रॉब्लम. द डिनर पार्टी, समझते हैं आप, द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, क्लब के अध्यक्ष के द्वारा वॉज कैंसल्ड, यानी वो डिनर पार्टी के लिए वॉज कैंसल्ड है, वो पार्टी कैंसिल कर दी गई ड्यू टू, समझते होंगे ड्यू टू मीन्स के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ के कारण, बिकॉज ऑफ के कारण और ओविंग टू के कारण, चारों मीन्स होता है ना, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ और ओविंग टू, इन सारे के मीन्स होता है के कारण. ड्यू टू की खासियत यह है कि इसे वाक्य के आरंभ में रखने के बजाय नॉर्मली एक नाउन फ्रेज से पहले रखें, ये ज्यादा बेहतर माना जाता है. तो द डिनर पार्टी, यानी वो डिनर पार्टी वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, जो डिनर पार्टी किसके द्वारा आयोजित की गई थी, क्लब के अध्यक्ष के द्वारा, वॉज कैंसल्ड, वो डिनर पार्टी कैंसिल कर दी गई ड्यू टू सम अनफोर्सेन प्रॉब्लम, किसी ऐसी समस्या के द्वारा जो अनफोर्सेन थी, जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था. अब प्रश्न, ये जो वर्ड है देख ले, क्या ये वर्ड यहां सही है. अगर आपको याद हो, अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया था वाइस्टर बाई, अगर कोई डिनर पार्टी की मेजबानी कर रहा है तो उसे वाइस्ट कर रहा है या होस्ट कर रहा है, याद करें क्या करेगा, याद आया, होस्ट करेगा. तो होस्टेड विद यहां पे है, यहां वाइस्टेड विद, वाइस्टेड तो होगा ही नहीं, मैटर खत्म, और होस्टेड बाई है, तो ये गलत तो हो ही गया आपका. हमारे पास तीनों ऑप्शंस में से होस्टेड विद, ये पैसिव वॉइस, उस क्लब के अध्यक्ष के द्वारा उसे आयोजित किया गया था, इसलिए ये नहीं होगा. कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, होस्टेड बाई. अब हो गया द डिनर पार्टी होस्टेड बाई, HOSTED हो जाएगा, होस्टेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब हो जाएगा. ठीक है, तो याद कर ले, वाइस्ट मीन्स झंडा फहराना होता है और होस्ट मीन्स मेहमान नवाजी करना, जब आप मेजबानी करते हैं तो आप एक होस्ट होते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न हमारे सामने है. आई मस्ट स्टडी माई बुक्स, मुझे अपनी किताबें अवश्य पढ़नी चाहिए टुडे, आज. क्यों पढ़नी चाहिए, एज, क्योंकि आई हैव टू, यहां पे देखिए आई हैव टू है ना, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, मुझे जाना है, आई हैव टू गो. तो मुझे अपनी किताबें आज अवश्य पढ़नी चाहिए क्योंकि आई हैव टू गिव एन एग्जामिनेशन टुमारो, क्योंकि मुझे कल एग्जाम देना है. इस तरह के प्रश्न अक्सर आपको मिलेंगे और ये एक कॉमन सेंस का प्रश्न है. अगर कोई टीचर आपका एग्जाम ले रहा है, ध्यान रखिएगा मेरी बात, अगर कोई टीचर आपका एग्जाम ले रहा है तो ही इज गिविंग यू एग्जामिनेशन. क्या होगा, ही इज गिविंग यू एग्जामिनेशन. लेकिन अगर आप अपना एग्जाम दे रहे हैं तो यू आर नॉट गिविंग योर एग्जामिनेशन, यू आर टेकिंग योर एग्जामिनेशन. तो अब देखते हैं कि अगर कल आप किताबें पढ़ रहे हैं कल के एग्जाम के लिए, तो आपको एग्जाम तो देना है ना, तो फिर फॉर आई हैव टू गिव, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा. सिंस आई हैव टू गिव, गलत आंसर हो गया आपका. देखें, एज आई हैव टू टेक हो जाएगा, हो जाएगा. एक और चीज यहां सीख ले, ये जो बीच में आपका एज आया, ये जो बीच में आपका सिंस आता है, ये जो बीच में आपका फार आता है, इन तीनों के बाद अगर कोई क्लॉज है, क्या है क्लॉज, अगर एस के बाद, सिंस के बाद, फार के बाद कोई क्लॉज है, तो नॉर्मली इनका जो अर्थ होता है वो चूंकि या क्योंकि हो जाता है. जैसे एज आई हैव टू गो, चूंकि मुझे जाना है. सिंस आई हैव टू गो, चूंकि मुझे जाना है. फार आई हैव टू गो, क्योंकि मुझे जाना है. ये तीनों शब्द तैयार कर ले, एज, सेंस और फार. अगर फार के बाद कोई केवल नाउन या नाउन फ्रेज आता है तो फार का अर्थ के लिए जैसा हो जाता है. अगर सेंस के बाद कोई समय अगर दे दिया जाता है, सेंस टू आवर, सेंस और
टू ओ क्लॉक सेंस टुमारो वगैरह, तो सेंस का अर्थ से हो जाता है। ठीक है, चलिए यहां आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां प्रश्न हमारे सामने है। पुअर टॉम नाम है आपका, पुअर टॉम लेज इन द शेड ऑफ अ ट्री, यानी वह एक पेड़ की छांव में लेट गया बिफोर ही कुड वॉक फर्दर, इससे पहले कि वो फर्दर यानी और आगे चल सके। पुअर टॉम बेचारा टॉम लेट इन द, ये भी याद कर लीजिएगा, काम आएगा आपके हर हाल में, ध्यान रखिएगा, ये इन द शेड ऑफ अ ट्री, ठीक है, एग्जाम में आपको दिया जाता है, एग्जाम में आपको अंडर द शेड ऑफ अ ट्री दे दिया जाता है, वहां पे इन द शेड ऑफ अ ट्री होता है। तो पुअर टॉम लेट, हमें यही देखना है कि वह पेड़ की छांव में लेट गया। कल आपने पढ़ा था ना, याद करें, ये आपका लाइन और ये भी आपका लाइन, और एक आपने पढ़ा था ले, तो मैंने बताया था ये जो लाई है इसके मीन्स लेटना होता है, पता ना, लेटना, पड़े रहना, स्थित होना। ये जो लाई है इसके मीन्स झूठ बोलना, और ये जो ले है इसके मीन्स बिछाना, रख देना, लिटा देना। तो वो पेड़ की छांव में लेट गया ना, लेटने के सेंस में क्या होगा, ये वाला लाई जिसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है ले, और थर्ड फॉर्म क्या होती है लेन। तो अगर वो पेड़ के नीचे लेट गया तो हमें ले का प्रयोग करना होगा, न कि लेड का प्रयोग करना होगा, यही ना। तो अब देखते हैं ले कहां पर है, लाइड ये तो झूठ बोलने वाला है, गलत, लेन ये तो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म आएगी नहीं बिना हैड है वहस के, और ले यहां पे दिया गया है, हो जाएगा, तो आएगा पुअर टॉम एल ए वाई ले इन द शेड ऑफ द ट्री हो जाएगा। ओके, आशा है आप समझ रहे होंगे, और समझ रहे हैं तो जरूर अपनी राय दें बच्चों, ठीक है, अपने टीचर को कहकर इंकरेज करने की कोशिश करें कि हाँ ये चीजें आपके काम में आ रही। चलिए चार प्रश्न और हमारे पास है, सातवां प्रश्न है। इवन लेस इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, यानी यहां तक कि कम बुद्धि वाले छात्र कैन बी सक्सीडेड, सफल हो सकते हैं थ्रू हार्ड वर्क एंड परसेवरेंस। देखिए बढ़िया वर्ड है आपके लिए, आप ये परसेवरेंस स्पेलिंग के अर्थ में भी आपसे पूछा जाता है, और उसमें वर्ड के रूप में पूछा जाता है, परसेवरेंस याद होगा ना, जब आप कंटिन्यूअस एफर्ट करते हैं, सतत प्रयास करते हैं, तो वो परसेवरेंस होता है, ठीक है। तो इवन लेस इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यहां तक कि जो कम बुद्धि वाले छात्र हैं, कैन, याद करें कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बी यहां पे है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ली गई है सक्सीडेड। लेकिन अगर वाक्य के अर्थ को आप देखें तो क्या हिंदी निकल रही है, यहां तक कि कम बुद्धि वाले बच्चे भी सफल हो सकते हैं थ्रू हार्ड वर्क एंड परसेवरेंस, किसके द्वारा, कठिन परिश्रम के द्वारा और सतत प्रयास के द्वारा। तो वो छात्र सफल हो सकते हैं, उन्हें सफल किया जा सकता है, ये सेंस तो है नहीं, वो छात्र सफल हो सकते हैं, एक्टिव वॉइस में है ना, तो अगर एक्टिव वॉइस में है तो कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। अब देखते हैं कैन के बाद कौन सी फर्स्ट फॉर्म है, कैन गेट सही है, लेकिन ये सक्सेशन है, सक्सेशन मीन्स सफलता नहीं होती, सक्सेशन मीन्स उत्तराधिकार होता है, जो यहां गलत है आपका। कैन बी, कैन बी के बाद तो हमेशा या तो एडजेक्टिव लें या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लें, सक्सेस तो डाउन है, तो क्या आप लिखेंगे ऐसे, इवन लेस इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कैन बी सक्सेस थ्रू, तभी नहीं ना, तो ये पोर्शन भी गलत। फिर हमारे पास है कैन गेट सक्सेस, सही है ना, याद करें गेट सक्सेस मीन सफल होना, बी सक्सेसफुल मीन सफलता प्राप्त करना, और सक्सीड मीन सफल होना होता है, याद कर लीजिएगा, सक्सीड वर्ब के रूप में है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव के रूप में है, और सक्सेस नाउन के रूप में है। सक्सेस लेना हो तो गेट का सही प्रयोग करें, सक्सेसफुल लेना हो तो बी का सही प्रयोग करें, और सक्सीड लेना हो तो गेट और बी का प्रयोग न करें। तो हमारा आंसर हो जाएगा इवन लेस इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कैन गेट सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क एंड परसेवरेंस। ओके,
कहीं भी आपको दिक्कत हो कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या चीज किया जा सकता है, किस तरीके से चीजों को और बेहतर बनाया जा सकता है। आठवां प्रश्न हमारे सामने है, द एम्प्लॉयर वांटेड टू स्ट्रिक्ट बैलेंस बिटवीन विद होल्डिंग हिज पोजीशन एंड गेटिंग इनटू अ रैपिड एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस। सबसे पहले जैसे ये वर्ड आपने देखा तुरंत इसे फिनिश, याद हुआ कल ही आपने पढ़ा था स्ट्रिक्ट नहीं होता है, याद है आपको, स्ट्राइक होता है, ठीक है। तो जो एम्प्लायर था वांटेड टू स्ट्राइक बैलेंस, वह संतुलन बनाना चाहता था बिटवीन किसके बीच में, विद होल्डिंग हिज पोजीशन, अपनी स्थिति को अपनी पोजीशन को अपने स्थान को बनाए रखने में, एंड और किसके बीच, गेटिंग इनटू अ रैपिड एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस और जो मशवरे थे उनके आदान प्रदान में, यानी ओपिनियंस के एक्सचेंज में अपनी स्थिति को और अपनी खुद की स्थिति को बनाए रखने के बीच में वह एक बैलेंस बनाए रखना चाहता था। तो स्ट्रिक्ट नहीं होगा, यहां देखते हैं स्ट्राइक अ बैलेंस हो सकता है, और देखते हैं स्ट्राइकिंग बैलेंस कैसे होगा। द एम्प्लॉयर वांटेड टू, याद है ना, वांटेड टू के बाद स्ट्राइकिंग कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि यहां पर टू जो है वह कोई प्रीपोजिशन नहीं है, वह इन्फिनिटिव है। नेक्स्ट है वांटेड टू हैव स्ट्रोक्ड अ बैलेंस, स्ट्राइक अ बैलेंस होता है, स्ट्रोक अ बैलेंस नहीं होता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्राइक अ बैलेंस, यानी संतुलन बनाए रखना, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दो क्वेश्चन हमारे पास और है, नाइन्थ क्वेश्चन आ गया, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम, यानी डॉक्टर ने उसे सुझाव दिया है टू ले इन बेड एट लीस्ट फॉर 2 weeks, कि वह 2 सप्ताहों तक बिस्तर पर पड़ा रहे हो, ठीक है। अब यहां देखें टू ले दिया गया है, टू ले, अब इस ले मीन्स आपको याद हो जाना चाहिए दो, अगर आप लाई की सेकेंड फॉर्म ले रहे हैं ले, तो फिर ले मीन्स तो लेट जाना, पड़े रहना, स्थित होना, और अगर आप ले को फर्स्ट फॉर्म में ले रहे हो तो ले मीन्स बिछाना, रखना। तो क्या आपका ये अर्थ होगा क्या कि द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड हिम, डॉक्टर ने उसे ही सुझाव दिया है टू ले इन बेड, कि वह अपने बिस्तर पर बिछा दे एट लीस्ट फॉर 2 weeks, 2 सप्ताहों तक कम से कम, नहीं ना। वो क्या कहना चाह रहे होंगे, वो कहना चाह रहे होंगे कि आप 2 सप्ताहों तक बिस्तर पर लेटे रहें। तो लेटने की मीनिंग क्या होती है, लाई, ये होती है ना। और आपको अभी मैंने बताया था टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म, तो देखते हैं दैट ही ले नहीं आएगा, पास्ट कैसे आएगा, टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वैसे भी एडवाइज वगैरह के साथ दैट क्लास बेहतर नहीं मानी जाती है, दैट ही लेज, जब यह एडवाइज है तो वैसे भी लेस कैसे आएगा, टू लाई, देखिए है ना यहां पे टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, तो जाएगा टू लाई इन ओ बेड, टू लाई इन बेड मीन्स होता है सोए रहना, ये भी ध्यान देखिएगा लाई के साथ आन नहीं लगाया बच्चों, इन का प्रयोग किया, यू लाई इन बेड प्रीफरेंस दें इसको, न कि यू लाई ऑन बेड, ओके। और लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ये प्रश्न, ही यूजुअली वेयर्स अ कोट, जहां भी यूजुअली जनरली बेसिकली वगैरह का प्रयोग होता है नॉर्मली वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम यूज करते हैं, ओके। तो ही यूजुअली वेयर्स अ कोट, यानी साधारणतया वो एक कोट पहनता है, बट लेकिन ही इज नॉट वेयरिंग इट टुडे, इट ये किसके लिए आपको लगा हुआ है, याद है ये इट कोट के लिए, लेकिन आज वो कोट नहीं पहन रहा है, ऐसा क्योंकि इट इज नॉट कोल्ड, क्योंकि ठंडक नहीं। अगर आप सोच देखें आज वो कोट नहीं पहन रहा या आज उसने कोट नहीं पहने, हैज नॉट वेयरिंग किसी भी स्थिति में हो सकता है, हैज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं,
हैज नॉट बीन, कहा यहां समय की कोई भाव है कि इतने समय से उसने नहीं पहना हुआ या पैसिव का सेंस है, तो ये वाला पोर्शन नहीं सही आपका है। डज नॉट वेयर, क्या आप ये कहेंगे इसलिए आज वह नहीं पहनता है, ऐसा लेंगे क्या? नहीं ना, तीनों फिनिश, तो फिर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? नो इंप्रूवमेंट, यानी वाक्य ऑलरेडी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सही, क्योंकि आप कहना चाहेंगे कि वह नॉर्मली यूजुअली कोट पहनता है लेकिन आज वो नहीं पहन रहा है। क्यों नहीं पहन रहा है? क्योंकि आज जा रहा है, ठीक है, ठंडक है आज, आज ठंडक नहीं है, सॉरी यहां पे नॉट लगा हुआ है। तो ये छोटा सा प्रयास है बच्चों आपके इस लॉकडाउन के समय को यूजफुल बनाने का, और आगे जो भी एग्जाम्स है ये सारी चीजें आपके काम आएंगे। और मैं रेगुलर चुकी वीडियोस बना रहा हूं, लाइव नहीं आ रहा हूं, जब ये सारे वीडियोस मैं आपको दे रहा हूं तो क्रम से मैं इसे देता जाऊंगा, ये सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स तैयार कर ले। और हमेशा याद रखें जो मैंने अपना एक फॉर्मूला बनाया कि अगर आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट तैयार कर रहे हैं तो आप एक तरीके का फिल इन द ब्लैंक्स भी तैयार कर रहे हैं, और अगर आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिल इन द ब्लैंक्स तैयार कर रहे हैं तो आप स्वतः समझ लीजिए आप अपना कॉमन एरर भी तैयार कर रहे हैं। तो कोशिश ऐसे करें आप, अगर आप कॉमन एरर तैयार करें तो उसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स सेंटेंस फिलर के रूप में भी तैयार करेंगे तो एक ही साथ तीन तीन पोर्शंस आपके तैयार हो जाएंगे कि यहां पर गलती हो रही तो क्यों हो रही, वो एक चीज तीन पोर्शंस को आपके तैयार कर देंगे। ओके, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।